रात को हम पहुंच गए थे बोरिवली स्टेशन एंड 12927 नंबर की एकता एक्सप्रेस हमारे लिए वेट कर रही थी बोरिवली स्टेशन पे। सो ये जो ट्रेन है ये केवड़िया दैट इज़ एकता नगर स्टेशन पे सुबह के 7:25 पे उसका अराइवल होता है। सो हम जैसे ही कोच में चढ़ गए, हमने सब अरेंजमेंट्स की एंड फिर ट्रेन निकल गई। ट्रेन थोड़ी सी डिले थी, हाफ एन आवर का डिले था। अभी हम टाटा बाबा कर रहे हैं वसई स्टेशन, नालासोपारा स्टेशन, जहाँ से हमने जर्नी की शुरुआत की थी। तो ये जो ट्रेन है ये दादर आती है, उसके बाद बोरिवली के बाद सीधा वलसाड़ पे रुकती है, देन सूरत, भरूच, वडोदरा। दिस इज़ द लास्ट स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ ढानू रोड। एंड नाउ मॉर्निंग में हम पहुँच रहे हैं एकता नगर स्टेशन। सो जो 70% जनता रहती है ना इस एकता नगर एक्सप्रेस पे, ये वडोदरा में ही उतर जाती है। सो एकता स्टेशन पे उतरने वाले बहुत ही कम लोग थे एंड ट्रेन भले आधा घंटा डिले थी बट उन्होंने कवर कर दिया था नाइट में। एंड हम पहुंच गए थे शार्प 7:25 को एकता नगर स्टेशन पे। इफ़ आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द स्टेशन, बहुत अच्छा डेवलप्ड स्टेशन है। आपको वॉशरूम्स, जो आपके वेटिंग रूम्स होते हैं, सब एकदम टाइडी एंड क्लीन है। देर आर ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल। सो सुबह सुबह हम थोड़े से फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा सा हमने एक नो प्लेटफॉर्म पे चल लिए, थोड़ा मस्त धूप आई थी एंड ठंडा भी काफ़ी सीज़न था। यहाँ पे गर्मी थी बट ऐसी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी नहीं थी, ठंडी हवा थी पूरे दिन भर। सुबह ठंडी रहती थी एंड बस दोपहर से थोड़ी गर्मी पड़ती थी, गर्मी थोड़ी फील होती थी। सो ब्रेकफास्ट के लिए हम सबसे पहले गए थे जगदीश रेस्टोरेंट। सो जो एकता नगर स्टेशन है उसी को लग के आपको तीन स्पॉट्स मिलेंगे। एक ये जगदीश रेस्टोरेंट है, थोड़ा आगे आपको मैकडी मिलेगा एंड आप अगर राइट साइड पे देखते हैं तो फर्न रिजॉर्ट है। सो दिस इज़ द जगदीश रेस्टोरेंट। सो हम रहने वाले थे BRG होटल में, विच इज़ अ बजट स्टे होटल। इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट होटल इफ़ यू आर स्टेइंग हियर फॉर लेसर टाइम। सो हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया एंड हमने एक टैक्सी बुक की एंड हम निकल पड़े पहले होटल BRG। सो होटल BRG में जो चेक इन का टाइम होता है 12 बजे का चेक इन टाइम होता है एंड लगेज आप रख सकते हैं रिसेप्शन में ही जब तक आप चेक इन नहीं करते। एंड अभी सबसे पहले हम लगेज रख के निकल गए देखने आरोग्य वन, विच इज़ बाय वन विभाग। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के आपको योगा या फिर मेडिसिनल जो हर्ब्स एंड प्लांट्स होते हैं उसके बारे में पूरा सा जर्नी सॉर्ट ऑफ है। 105 एकर्स का ये पूरा एरिया है आरोग्य वन में। एंड यहाँ पे ऐसे डेस्टिनेशंस है, स्पॉट्स है, मोस्टली यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत दिखेगी। सो जो आज का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हम आरोग्य वन कवर करेंगे, मियावाकी फॉरेस्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे एंड एंड में ग्लो गार्डन जाएंगे। सो सबसे पहला हमारा यही स्पॉट है आरोग्य वन। सो जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पे वेलकम का साइन है, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। फिर आगे जाके देखेंगे तो ये एक ऐसा मेन एरिया है। सो ये जो आरोग्य वन है ये बहुत अलग अलग लाइक 6-7-8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप एक एक करके जाके देख सकते हैं। तो ये पूरा ऐसा एरिया है, ऐसे यहाँ पे बहुत अलग अलग स्कल्पचर्स भी हैं, ऐसे आर्टिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए एक स्पॉट बन जाता है। एंड अभी हम देखने जा रहे हैं इंडोर प्लांटेशन सेक्शन। तो यहाँ पे जो है इंडोर प्लांट्स उन्होंने ग्रीन हाउस जैसे होते हैं उन्होंने वैसे करके रखे हैं। एंड यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं वो सारे आउट ऑफ इंडिया के हैं, यू नो From all the places of this world, they have selected certain plants and they have grown it over here in India, in Gujarat. तो यहाँ पे बहुत अलग अलग plants थे जो शायद हमने कभी देखे भी नहीं होते इंडिया में हम रहते तो। यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे फ़ोटो डेस्टिनेशंस आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से खड़े रह के फ़ोटो ले सकते हैं। तो इंडोर प्लांटेशन के बाद ये है अरोमा गार्डन। तो यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स हैं, यहाँ से श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं जिनके आप स्मेल से पता लगा सकते हैं। सो उसको अरोमा गार्डन बोलते हैं। एंड इन्होंने ना हर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ऐसे पाथवेज बना के रखे हैं, तो आपको सिर्फ उन पाथवेज को फॉलो करना है ना, आप पूरी प्रॉपर्टी आराम से घूम लोगे।
तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज भी बना के रखा है जहाँ से एक वाटर स्ट्रीम फ्लो करती है, फाउंटेंस है यहाँ पे, एंड आप पीछे की साइड देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल ऐसा वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल उन्होंने किया हुआ है, लोटस एंड वाटर लिलीज है यहाँ पे। अभी सामने हम जो जा रहे हैं ये योगा का उनका एरिया है जहाँ पे आप बैठ के योगा कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी ओपन, अ वेरी गुड स्पेस, आप एकदम आराम से, फ्रेश एयर वाली स्पेस है पूरी। तो आप कभी सुबह, आप लंबे समय के लिए रह रहे हैं केवड़िया में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको बहुत दिन के लिए आप रुक रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन जस्ट विजिटिंग, टेकिंग पिक्चर्स एंड लीविंग। ये जो आपको गार्डन दिख रहा है ये अल्बा गार्डन है। सो अल्बा एक टाइप का फ्लावर होता है जिसके सारे ट्रीज हैं यहाँ पे। ये आरोग्य वन के जिस पार्ट में हम आए हैं इसको बोलते हैं औषध मानव। तो इसको आप ऊपर से सैटेलाइट से इमेजेस आप देखेंगे ना, तो ये एक मानव की तरह है, एक ह्यूमन बॉडी इन्होंने बना के रखी है। सो उसका एक सिर है, उसके दो हाथ है, मेन बॉडी है एंड पैर है, एंड ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरी बॉडी है उन्होंने बनाई हुई है सारे हर्बल प्लांट से। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड औषध मानव। एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन दिस एरिया। तो यहाँ पे और एक फ़ोटो स्टॉप आपको मिल जाएगा टू क्लिक पिक्चर्स, टू स्पेंड सम टाइम। ये डेजर्ट रोजेस है, एंड जैसे ही आरोग्य वन हमारा घूम के हो गया, अभी हम पहुंच गए मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट एंड जो आरोग्य वन है उसमें ऑलमोस्ट 200 to 300 meters का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम चल के गए, आराम से पहुंचिए, एंड यहाँ पे एक ओरिएंटेशन सॉर्ट ऑफ होता है जहाँ पे वो ज्ञान दे रहे होते हैं मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। 20 फुट और 40 फुट तक बढ़ने वाले पेड़ इकट्ठा लगाए जाते हैं और वो भी आस पड़ोस और प्रदेश में हरियाली लाते हैं। सो मियावाकी फॉरेस्ट, जो मियावाकी ये जो कंसेप्ट है ये एक जापनीज कंसेप्ट है। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स एंड कैनपीज। बेसिकली कैसे हम इंडिविजुअली भी एक खुद का फॉरेस्ट बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये जो बनाया हुआ है ये फॉरेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली प्लांटेशन है जो यहाँ के लोगों ने खुद किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगेन ऐसे आर्टिफिशियल यू नो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव सीख सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो नेचर। देखिए ये जो आपको सारे प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये फॉरेस्ट के प्लांट्स नहीं है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लोगों ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे खुद प्लांट किए हुए हैं। ये नया एरिया है मियावाकी फॉरेस्ट का जो रिसेंटली ओपन हुआ है। सो यहाँ पे फोटो स्टॉप के लिए बहुत ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। सच स्ट्रक्चर्स दीज आर ऑल्सो आर्टिफिशियल, ये रियल हनीकॉम नहीं है। सो ऐसे इन्होंने बहुत चीज़ें बना के रखी। ये जो आपको फ्लावर्स दिख रहा है इसको बोलते हैं कृष्ण कमल, ये 5 पांडव एंड उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आरोग्य वन मियावाकी होने के बाद हम पहुंच गए थे होटल BRG, हमने लंच किया, एंड लंच करने के बाद हम चले गए रूम देखने। सो हमने ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम लिया था, सो देर इज़ वन एक्स्ट्रा बेड एंड बड़ा स्पेशियस रूम है। 3000 पर नाइट चार्ज होता है। सो BRG जो है इनके 3 अलग अलग विंग्स है, A, B एंड C। सो यहाँ पे रहने के लिए लाइक अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा है, एंड यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स ऑल्सो। लाइक वी हैड अ सिंगल रूम, हमारे साथ जो मेरे रिलेटिव्स एंड फैमिली थे उनके लिए हमने एक ऐसा एक कॉटेज सॉर्ट ऑफ रूम लिया था जहाँ पे 2 रूम्स थे, 2 वॉशरूम्स थे, एंड दे वर इंटरकनेक्टेड। सो अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। सो सबसे पहले तो टैक्सी से आप पहुँच जाइए श्रेष्ठ भारत भवन, जिसको SBB भी बोलते हैं, जो रामदा एनकोर जो है उसके अंडर कंट्रोल है। सो यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बसेस जाती हैं।
सो एज यू कैन सी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ पिकअप पॉइंट जहाँ पे बसेस जो है यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. तो आप जितना भी घूमिए इन बसेस में, ऐसी इनकी बसेस होती है. स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्टैचू है प्रॉपर, उसी के आगे मेन पार्किंग एरिया है. सो यहाँ पे बस की 3-4 अलग अलग स्पॉट्स हैं पार्किंग की. तो ये पहला है, दैट इज़ श्रेष्ठ भारत भवन. श्रेष्ठ भारत भवन से तो इसने जो हमारा होटल बीआरजी का रोड है वहाँ से इसका रूट जाता है सबसे पहले. तो ये हेलीपैड है, दिस इज़ द वीवीआईपी हेलीपैड, दिस इज़ द आरोग्य वन विच वी विजिटेड, एंड यहाँ से ये आगे जाएगा. तो श्रेष्ठ भारत भवन के आगे कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं जाती है, यू हैव टू कंपल्सरली यूज़ द बसेस. सो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी बस पार्किंग. सो दिस इज़ द मेन बस पार्किंग. यहाँ पे 3-4 अलग अलग बस स्टॉप्स हैं जो आपको अलग अलग जगह पे बसेस लेके जाएंगी. सो आफ्टर यू गेट डाउन ऑफ द बस यू हैव टू कीप वॉकिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉकिंग. सो अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हैं कि मस्त आराम से जर्नी होगी, ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर विजिटिंग एकता नगर, यू आर विजिटिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया, यहाँ पे बहुत वॉकिंग होती है. भले आप बसेस से भी ट्रैवल करते हैं, लाइक फ्रॉम द मेन इंटरसेक्शन, लाइक द श्रेष्ठ भारत भवन के इंटरसेक्शन से स्टैचू ऑफ यूनिटी 7 किलोमीटर्स अवे. तो इवन इफ वो 7 किलोमीटर्स इज स्टिल अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी. उसके आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के 7 किलोमीटर्स के आगे आपको जंगल सफारी होती है. यू हैव द ग्लो गार्डन विच वी विल बी विजिटिंग टूडे, एंड वी हैव द मेज गार्डन जो हम नेक्स्ट अपकमिंग डेज में विजिट करेंगे. उसके आगे भी पॉइंट्स है लाइक द डैम फोटो पॉइंट. देन वी ऑल्सो हैव द खलवानी जरवानी पॉइंट जहाँ पे वाटरफॉल एंड रिवर राफ्टिंग होती है. सो अभी हम चलते जा रहे हैं. दिस इज़ वॉट यू आर सींग इज़ द विश्व वन. सो ये ऐसे ही टाइम पास विश्व वन सॉर्ट ऑफ उन्होंने बना के रखा है. कुछ ऐसा देखने लायक ऐसा अच्छा है नहीं, बट ओके. सो स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक है कि इन्होंने बहुत अलग अलग पॉइंट्स बना के रखे हैं. दैट इज़ 15 पॉइंट्स है अलग अलग, जिसमें से आप अच्छे से प्लानिंग करके जाइए, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं लगेगा. सो स्टैचू ऑफ यूनिटी में ईटेबल्स एंड ड्रिंकेबल्स नथिंग इज़ अलाउड. सो यहाँ पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर उन्होंने बहुत अवेलेबल करके रखा है. एंड अभी हम पहुँच गए हैं जो मेन एरिया है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का. सो आप जब टिकट्स बुक करते हैं तब आपको एक व्यूइंग गैलरी में जाने का एक सर्टन टाइम भी देते हैं वो. तो उसी के हिसाब से आइए, आराम से घूमिए. जो एग्जीबिशन है वो भी नीचे देखिए जो ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके बाद जो व्यूइंग गैलरी है वहाँ पे जा सकते हैं. सो ये जो पर्टिकुलर ऐसा एरिया है ना, पूरा जो सीधा कॉरिडोर है टुवर्ड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी, दिस इज़ वेरी फेमस. यहाँ पे आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे वो इसी चैनल के देखे होंगे, इसी सर्टेन कॉरिडोर के देखे होंगे. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्टैचू. सो आप 3 जगह विजिट कर सकते हैं. एक एग्जीबिशन है, फिर व्यूइंग गैलरी है जिसके लिए आपको टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, एंड तीसरा है कि जो पैर है ना स्टैचू का, वहाँ तक जा सकते हैं वाया एस्केलेटर्स. सो हम सबसे पहले वही करने वाले हैं जो इस स्टैचू का जो फीट का एरिया है वहाँ पे आप पूरा नर्मदा रिवर एंड डैम का व्यू ले सकते हैं. तो हम वहाँ पे जा रहे हैं सबसे पहले. सो ये पूरा एस्केलेटर का रास्ता है. अगर आप में उतनी हिम्मत है इतना चढ़ के जाने के ऊपर तो आप चढ़ के भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन प्राउडली यूज़ द एस्केलेटर्स. एंड नाउ वी हैव रीच द एरिया. सो यहाँ पे मतलब दिखने में यहाँ से कुछ इतना खास दिखता नहीं है स्टैचू, बिकॉज यहाँ पे धोती के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है स्टैचू का. बट यहाँ से जो आप देख सकते हैं दैट इज़ द नर्मदा रिवर व्यू एंड द डैम व्यू. सो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये नर्मदा सरोवर डैम है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है. एंड दिस डैम वॉज द विजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड दैट इज़ वाई वी हैव दिस स्टैचू ओवर हियर आफ्टर द डैम वॉज बिल्ड सक्सेसफुली. अभी देखिए ये जो इनके पैर की साइज़ है और जो ह्यूमन साइज़ है वो डिफरेंस देखो कितना है. जो व्यूइंग गैलरी है वो 45th फ्लोर पे है या फिर 42nd फ्लोर. सो
यू हैव टू गो देर वाया द एलिवेटर्स. सो देर आर टू एलिवेटर्स, जो एक पैर है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वहाँ से दो लिफ्ट जाती हैं ऊपर. सो दैट इज़ वॉट द सिस्टम इज़. एंड यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, पूरा एक चक्कर मारिए स्टैचू का पीछे से पूरा, एंड नर्मदा नदी का नज़ारा भी देखिए, मज़े लीजिए वेदर के. सिंस मैंने स्टार्टिंग में भी आपको जैसे बोला कि गर्मी थी बट हवा थी, ठंडा था मौसम, गर्मी बस ऐसी लग रही थी, मतलब टैन वाली गर्मी थी जिससे आपको ठंडी में टैन पड़ जाती है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी नहीं थी. सो दैट वॉज़ लाइक अ प्लस पॉइंट, बिकॉज फिर ट्रैवलिंग और ईजी हो जाता है. एंड अभी हमारा जब यहाँ पे फोटोज एंड ऑल क्लिक करके हो गए, अभी हम नीचे जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी देखने.